बात उधम सिंह नगर की, जहां पर एसएसपी के निर्देशों के बाद नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस नशा कारोबारियों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर चौकी पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो लोगों को 136 लीटर अवैध कच्चे शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ में पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी बदना वर्मा ने कहा कि लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि जो भी अवैध शराब है और नशे के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो इसके सभी थानेदारों को और सभी चौकी इंचार्जेस को उसको निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज ये हमारे जसपुर कोतवाली के धर्मपुर बैरियर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में कुछ अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो इसी सूचना पर जब हमने इसमें चेकिंग की गई, तो एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि जिसमें टैक्सी के रूप में जो संचालित हो रही थी, उसमें दो लोग थे। उन दोनों के द्वारा इसमें से जब चेकिंग की गई, तो उसमें कच्ची शराब उनके पास मिली, जिसमें 91 पाउच हैं, जो कि अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। गाड़ी के भी कागज़ उनके पास मौजूद नहीं थे। इन दोनों व्यक्तियों को मौके से अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो भी ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ये कोटद्वार से इसको ले जा रहे थे, और रहने वाले भी ये लोग कोटद्वार के हैं, तो आज इसमें मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत कर लिया है।